नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। प्यार रिश्तों को जोड़कर रखता है, पर जब प्यार ही रिश्तों के टूटने की वजह बन जाए तब वो प्यार जुनून बन जाता है। ऐसा ही प्यार हो गया एक भाभी को अपने देवर से और उस प्यार का अंजाम हुआ एक अपराध। आइए देखते हैं देवर भाभी की रासलीला से शुरू हुई इस कहानी का अपराध और इसका अपराधी। हम आ गए कुसुम। कितनी बार बोला है हमने आपको कि डब्बा ना हमारे हाथ में दिया कीजिए, आप ना सुनते ही नहीं है। सच में कहाँ जा रही है? कितनी बार बोला है आपको कि दुकान से आते सीधा नहाने जाया कीजिए, आपको पता है ना कि तेल साबुन की दुर्गंध से हमारा सिर घूमता है। कब सुधरेंगे सुधाकर बाबू? अरे जब शादी हुई थी तब यही तेल और साबुन की गंध आपको खुशबू लगती थी, अब बदबू। काहे धर्म पत्नी जी। पति देव जी जाइए, पहले नहा लीजिए, जाइए, चलिए जाइए। अरे परचून के दुकान वाले के शरीर से तेल का ही खुशबू आएगा ना, अतर गुलाब सा तो महकेगा नहीं। अरे अम्मा कल मधुकर को आने दो, फिर तो पूरे घर में गुलाब इतर ही महकेगा। हम जानते नहीं है क्या आप दोनों भाइयों को? दोनों एक के ही जैसे हो। अरे वो मधुकर नहीं रहा जिससे तुम 2 साल पहले मिली थी। जनाब के ठाट बाट अब बदल चुके हैं। ठाट बाट बदल चुके हैं, कल आ रहे हैं ना, देखते हैं। आप जाइए नहा लीजिए, हम चाय बना रहे हैं। धमाका होगा धमाका, देख लेना। बेटा हम तो कहते हैं ना कि कोई बहाना कर दो, मना कर दो उसे, इसके नाजो नखरे देखे है ना, देखना दिन भर चिक-चिक होगी। अरे अम्मा मजा आएगा, तुम देखना हम ना के आते हैं। अरे धर्म पत्नी जी, अभी भी तेल का बदबू आ रहा है। अरे क्या गीले बाल छोड़ दिया है, तेल और ऊपर से लगा लिया इनमें। लाइए टॉवल दीजिए। आपके लिए छोड़े थे। बैठिए। और ये का चिपट बनियान पहन लिया आप? हा? नाई का बनियान रखे थे ना बाथरूम में, वो का हमले छोड़ दिए हैं। अरे मेकअप बनियान काहे पहनना, जब बाहर जाएंगे तो पहन लेंगे। हमेशा कंजूसी, काहे इतना कंजूसी करते है सुधाकर बाबू, हमको पसंद नहीं है ना, हमको पता है। एक काम कीजिए सो जाइए अब आप। आप सो जाइए, हम छोटे को फोन कर लेते हैं। हेलो, हाँ छोटे कल आ रहे हो ना? हाँ भैया आ रहे हैं। पक्का है ना कि फिर गोली दे रहे हो हैं? और सुनो ना, हम कह रहे थे कि आने वाने में कोनो दिक्कत हो तो आराम से आ जाना, कोनो जल्दी तो है नहीं। ट्रेन में बैठे हैं, अगले स्टेशन उतर जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, आ जाओ सुबह मिलते हैं। अरे मधु बेटा आ गया तू। ओ प्रणाम। आ गया तू? अरे भैया कैसा? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बिल्कुल फिट लग रहे हो, जैसा आपको छोड़ के गया था बिल्कुल वैसे हैं। मगर तुम बदल गए हो, एकदम हीरो लग रहे हो, हीरो देखो। कैसे हो भाभी? अरे रे आप हमरे पैर मत छू। क्यों? भाभी के पैर तो देवर छू सकता है ना, है ना भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देवर और भाभी तो दोस्त होते हैं ना, आप हमारे पैर मत छूइए। जैसा आपको ठीक लगे भाभी। इसका नौटंकी तो खत्म ही नहीं होता। अच्छा भैया सुनो ना, मैंने एक मॉडल बुलाई हुई है फोटोशूट के लिए, तो वो आए तो आप उसे मेरे स्टूडियो भिजवा दीजिएगा। तुम यहाँ भी काम लेके आ गए? अब भैया क्या बोलू, दिन रात सुबह शाम कैमरा चलता ही रहता है। आपको पता है बिहार में जितने मैगजीन जितने कवर शूट होते हैं उनकी सारे मॉडल्स के फोटोशूट आपका भाई करता है। नाम है पटिया। अच्छा अम्मा, वो हमारा स्टूडियो बचा हुआ है या हड़प लिया किसी ने? हाँ हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। अरे हम ताला लगा के रखते हैं और साफ सफाई भी हम ही करते हैं। ये तो बहुत घुसने का कोशिश करती है, लेकिन मजा ले हम किसी को घुसने दे।
आओ दिखा दे। अच्छा ठीक, अच्छा मैं एक मिनट कैमरा लेके आया, मैं बैग में ले लेता हूँ। ला, अरे नहीं भैया, मैं लेता हूँ, तू अपना काम कर, मैं रख। थैंक यू भैया। देखिए कुछ तीखिए, इसे कहते टिप टाप, बिल्कुल फिट। तो हम कम है का? हम भी तो एकदम फिट है, एकदम टिप टाप। बिल्कुल, यहाँ से। अरे तुम भी ना। का है भाभी, भाभी ये क्या कर रही हो आप? आवाज लेकर आना चाहिए ना, अंदर काम चल रहा है। वो हम आपके लिए चाय लेकर आए थे। ये कौन है? ये रूबी है, मॉडल है। रूबी ये मेरी भाभी। हाय। सामने देखना। Nice. Next one. तो ये काम करते हैं आप? अम्मा तो कभी हमें इस कमरे में आने नहीं दी, हमें पता ही था अंदर क्या है। अच्छा, फोटोग्राफर हूँ मैं भाभी। अखबारों में, इश्तिहारों में जो फोटो छपती है ना, साड़ियों की, कपड़ों की, हम ही खींचते हैं। बढ़िया है भाभी, आप भी जाओगे? थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। चाय? चाय तो मैं पीता नहीं। तभी आप इतने फिट, आपके भैया तो पूरे दिन दुकान पे चाय पीते रहते हैं, तभी उनकी तोंद बाहर निकली हुई है। भाभी हम काम कर लें? हाँ हम चलते हैं। यार मधु, तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। थैंक यू। तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। सबके साथ ऐसा ही करते हो? लड़कियां तो दीवानी हो जाती होंगी। काम को लेकर ना बहुत सीरियस है हम, काम के वक्त बस काम। कहाँ देखना है वैसे? तुम्हारी आंखों में? नहीं, कैमरे में। और तुम कहाँ देख रहे हो? आपको। फोटो नहीं खींचो? फोटो भी खींच लेंगे, पहले जरा आपको देख तो लें। ऐसे मत कहो, हमें कुछ होता है। क्या होता है? अरे उठो, अभी कहाँ सो रही हो? आप कब आए? जब आपका सपना टूटा तब आ गए हो? ऐसे कहाँ देख रही थी सपनों में? बस आपको ही देख रहे थे। अरे फिर तो सपना बड़ा खुशबूदार और रंगीन होगा। देखो साफ सुथरा नहाके आए, बदन गमक रहा है कि नहीं? खुशबूदार साबुन से नहाया आज। तेल तो वही वाला लगा लिया ना। तो तेल फुलेल सब में रुचि रहती है।
हमारी तरफ भी ध्यान लगाया करो। हमारा ध्यान तो तब से आपके छोटका भाई पे ही है। कितना अलग है आपसे, आपका सगा भाई है ना। अरे अम्मा सुन ली ना, चप्पलियां देगी। अरे उसकी दुनिया अलग है, इसलिए वो अलग है। अगर वो भी हमारी तरह पूरे दिन दुकान में बैठता ना, तो ईटोंग उसे भी आ जाती। कुछ साल पहले जब यहाँ से गया था तब कितना अलग था, अब एकदम से बदल गया है ना। अरे तो हम भी तो अलग दिख रहे हैं, देखियो ये नई का अलग बनियान पहने हैं और ये टी शर्ट भी। तुम बोली थी ना कंजूसी छोड़ दो, छोड़ दिए हैं। खर्चा किया आज, खुश खुश। अब जाइए सो जाइए। अरे सो जाए, बर्तन पड़े हैं, साफ नहीं किए ना, सुबह आपकी अम्मा जी गुस्साएंगी। ठीक है जाओ, पर जल्दी आओ, हम जाग रहे हैं। आप जाग रहे हैं, जब तक हम आएंगे ना आपके खर्राटे चालू हो गए होंगे। नहीं नहीं हम जाग रहे हैं। अच्छा ये जाग रहे हैं, बताओ वो लड़की चली गई होगी क्या, जाकर देखती हूँ। नहीं यार एक भी ढंग की फोटो नहीं है। क्या मधु इतना बड़ा नाम और ऐसा काम, यहाँ की लड़कियां ऐसी, इतना समझाया इतना सिखाया सब बेकार, सारी की सारी फोटो बकवास। क्या हुआ परेशान है? अभी आप सोती वोती नहीं है क्या, अभी तक जागी हुई है? हम सोने ही जा रहे थे, सोचा कि आपसे एक बार पूछ ले कि कुछ चाहिए तो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्या परेशानी है बताइए ना, बताने से मन हल्का हो जाता है। भाभी अब क्या बताएं हम आप, यहाँ की लड़कियाँ ना काम को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं, पूरा काम करे बिना चले गई। अब 6 फोटो कल तक हमें जमा करानी है और ये सारी की सारी बकवास है। अभी हमारा काम ना जुबान पे चल, अब कल तक बोलिए जमा करनी है तो करनी पड़ेगी, अब क्या करें बताओ। हम एक बात बोले अभी, प्लीज अब खाने पीने की बात मत करिएगा, मूड खराब है अभी। नहीं दूसरी बात है, वो जो लड़की आई थी हम उसको कहते हुए सुने कि हम मॉडल जैसे दिखते हैं। हाँ बोला तो था, तो उसका अधूरा काम हम पूरा कर दें। क्या भाभी आप ये कर पाएंगी? करना का है इसमें, कपड़ा पहनना और बैठना है, बाकी तो सब आप ही कर लेते हैं। अच्छा अब इतना सोच रहे तो हम जा रहे हैं। भाभी भाभी एक मिनट रुकिए, भाभी आप सच में कर पाएंगे? बोल तो रहे हैं कर लेंगे। भैया माइंड कर गए तो बाद में? भैया काहे माइंड करेंगे, बात तो सही है आपकी, पर भाभी देख लो बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा, हम वो कपड़ा पहन ले, वही पहनना है ना, हम पहन के आते हैं। मधु ये लड़का सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं, और पूछेगा कौन, हमें को तो देखना पड़ेगा। माँ जुठे रहे हम, बहुरिया से पूछते हैं। बहू ये सुधाकर तो अकेला सुन रहा है, कुसुम रानी कहाँ चली गई? भाभी स्टार्ट करें, आइए बैठिए। अब जैसा मैं बोलता जाऊं बस वैसे ही करना है, ठीक है? मधु
क्या करना है हमको? भाभी जैसे कैमरा आपके पास आता रहेगा ना, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, सबसे जरूरी बात, आप बोलेंगी कुछ नहीं, बोलूंगा सिर्फ मैं। मधु मॉम, ये मॉम की आवाज है ना? बेटा मधु, मधु ये लाइट्स वाइट चालू रखकर कहाँ चला गया? बाहर नीचे कमरे में बहुरिया नहीं है, यहाँ मधु नहीं है, आखिर सब चल क्या रहा है हमारे घर में? कमाल है, दोनों गायब। मधु मॉम, क्या हुआ, आप यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे? अरे कहाँ था बेटा, छुपन छुपाई तुम्हारी अभी तक खत्म नहीं हुई। मॉम यही तो था, कितना लेट हो गया, आप जाके सो जाओ ना। हाँ हाँ हम जाते हैं। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। पता नहीं ये बहुरिया कहाँ चली गई, उसका तो पैर ही नहीं दिखता इस घर में। तुम सो जाओ। हाँ ठीक है मॉम। शुरू करें? भाभी मॉम आपको ढूंढ रही है, दिक्कत हो जाएगी। अरे उनको छोड़ो, उनका हमारा चलता रहता है। तुम ये बताओ हम क्या करें, इधर देखे इधर देखे या तुम्हारी आंखों में? चलिए ठीक है करते हैं फिर, पर आप बोलोगे कुछ नहीं। हाँ सबसे जरूरी बात, जैसा मैं बोलते जाऊँ ना बस आपको वैसे करते जाना है। हाँ थोड़ा सीधे बैठ सकते आप? सीधे करो, आप एक काम करो, दोनों हाथ को एक के ऊपर रखो एक। हाँ ठीक है, नाइस। भाभी कुछ और ट्राई करते हैं, एक काम कीजिए भाभी, आप खड़े हो जाइए। हाँ? ये हाथ को अपनी कमर पे। हाँ अभी क्या कर रहे हो आप? आपको बार बार समझा रहा हूँ मैं, हाथ को कमर पे रखना, आप रख ही नहीं रहे हो। अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुमको देख रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो। भाभी अब बातें करनी है या थोड़ा काम कर लें? तुम काम करो, हम बात करते हैं ना। हम तो तुम्हारे भैया को भी बोले हैं कि तुमसे कुछ सीखे, तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे से रहते। भाभी आप ऐसे बोलते रहोगे ना तो काम पर ध्यान दे दिया फिर, तो ध्यान दीजिए। ध्यान ही तो दे रहे हैं। भाभी गलत हो गया भाभी, पाप कर दिया हम। पाप?
खुश रहना पाप है, मन को खुशियों से भरना पाप है। भाभी ये सब बातें हमें मत समझाइए, हमें मालूम है जो हमने किया है वो पाप है। पहले तुम्हें मैं भाभी बोलना बंद कर। कुसुम बोला कर, कुसुम, फिर देखना सब अच्छा लगने लगेगा जैसे मुझे लग रहा है। आप जाइए यहां से भाभी, आप जाइए यहां से। अब मधु तुम हमरे हीरो हो। भाभी जाइए आप प्लीज। मधु ये क्या बात हो गई, कल ही आए और आज जाने के लिए सामान पैक कर रहे हो। हुआ भाई, एक दिन में जी भर गया, कहीं नहीं जा रहे तुम। भैया पटना में कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा हमें। ऐसा जरूरी काम के घर बार की भी चिंता नहीं है, हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कोनो झंझट हुआ है क्या, हमें बताओ। ए सुधाकर तुम कुछ बोलेगा इसको? अरे अम्मा हम काहे कच्चू बोलेंगे, तुम भी ना, हमें दुकान जाना, हमें देरी हो रही है, हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे। भैया नहीं जा रहे। बेटा जाना बहुत जरूरी है। हाँ मॉम जाना जरूरी है। हाँ बेटा हम रास्ते के लिए कुछ बांध देते हैं। हमसे नाराज होके जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। भाभी ये सब मत करिए, मॉम देख लेंगे। कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बीच में जो भी हुआ क्या उसमें प्यार नहीं था? हाँ अभी ये सब बातों में ना हमें मत उलझाओ, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। अब कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप गए ना तो हम अपने प्राण दे देंगे, हम कह रहे हैं। भाभी छोड़िए। नहीं भाभी छोड़िए, हम मर जाएंगे, हम कह रहे हैं, मत जाइए हमें छोड़ के। इसे क्या हो गया? हमको भूख नहीं है। कहाँ है? उपवास की हो? आज दिन कौन है? जब तुम्हारा मन करे तब उपवास करोगी? अरे नियम धर्म कुछ होता है कि नहीं, बस अपनी मर्जी चलाओगी? अच्छा भाल है। अरे मधुकर कमाल हो गया भाई, घर की वापसी हो गई। ये हुई ना भाई वाली बात। खाना खाओगे? अरे आप पूछ कह रहे हैं, क्यों नहीं खाएंगे, आइए। हाँ बैठिए। का रे बहुरिया, अब तक तो बड़ी मुरझाई बैठी थी। लाडले आए हैं तो खाना ना खिलाएं। करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, आप कभी खुश नहीं रहती ना। बेटा अपनी बीबी के पास ध्यान दो, इसके हाल चाल मुझे ठीक नहीं लगते। अरे अम्मा कह रही थी कि पहले तुम गए फिर आ गए, क्या चक्कर है भाई? तो भैया आपको तो पता है ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। पर पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना? भैया हम पटना नहीं कलकत्ता जा रहे थे। अच्छा सही है, कभी कलकत्ता कभी पटना, घूमते फिरते काम भी और पैसा भी। अब यही रहोगे ना बेटा? हाँ मम। खाइए ना।
ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। पर पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना। भैया हम पटना नहीं कलकत्ता जा रहे थे। हमारे लिए वापस लौट के आए हो ना भाभी। हम यहाँ वापस आपके लिए नहीं आए, आपके दिए हुए कसम की वजह से आए। हम नहीं चाहते आपके हत्या का पाप हम पर लगे, और हमने आपको फोटो दिखाने के लिए नहीं बुलाया, कुछ बात करने के लिए बुलाया। चल झूठे, मन में कुछ और है और हत्या की कहानी सुना रहे हो। पर जो भी हुआ वो गलत था, ये रिश्ता गलत है, सही नहीं है भाभी। कुसुम, कुसुम है हम तुम्हारे। ये भाभी हो आप। फिर झूठ, तुम वापिस आए क्योंकि तुम हमसे प्यार करते हो, मान कहीं नहीं लेते तुम। हाँ तुमने दिल की आवाज सुनी तभी तुम लौट के आए, अभी दिल की आवाज सुनो भाभी। कुछ मत कहो, तुम वापिस आए यही काफी है, और ये सबूत है कि हमारा प्यार है। ये लड़की देख, अच्छी है, मॉडल है क्या? हाँ मॉडल है, तुम्हारी जिंदगी भर की मॉडल। शादी पक्का की है इसके साथ तुम्हारा? शादी मॉम, हम शादी वादी नहीं करने वाले अभी, ये रखो आप। हम तुमसे पूछ नहीं रहे बिटवा, मैं बता रही, शादी तो तुम्हारी इससे ही होगी। हम समझने की कोशिश करो, अभी हमें अपना करियर बनाना है, अपना स्टूडियो खोलना है, कहाँ शादी करके हम भागदौड़ करते फिरेंगे। हम नहीं करने वाले शादी वादी। अरे अम्मा सोची है तो सही होगा मधु, चलो भैया आप भी। अरे फिर करते रहना जो करना है, भाग दौड़ कौन रोकेगा। ठीक तो कह रहे हैं, काहे जल्दबाजी में शादी करना, देख सुनकर कर लेंगे, अब पीछे मत पड़िए ना। हमने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हम और तुम ज्यादा मुंह मत खोलो, हम अपना मुंह खोल दिए ना तो ई घर का दुनिया में कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। फूथू करेगा लोग तुम पर, तुम्हारी सारी करतूत जानते हैं हम। मधु बेटा ये लड़की है, पसंद है हमें बहुत, और हमने अपनी तरफ से बात पक्की कर ली। मॉम हमने बोला था ना आपसे हमें शादी नहीं करनी,
बेटा शादी तो तुम्हें इसी लड़की से करनी है। गीतू नाम है इसका, सर्वगुण संपन्न। आ गई चाय। लीजिए भाई साहब। आपकी धर्मपत्नी नहीं कहीं दिखाई दे रही? वो उनका तबियत थोड़ा गड़बड़ है, आप चाय लीजिए ना। भाई साहब कौन सी तारीख तय की है आपने? अगले महीने में शुभ मुहूर्त है। नहीं नहीं अगले चार दिन में देखिए ना। मॉम बुधवार को शुभ मुहूर्त है। चलो तो बात पक्की, बुध को शादी होगी और बुध के दिन सब मंगल होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। और बेटा तुम भी लो, तुम्हारी शादी है। और तुम ये सब खत्म करना पड़ेगा हमें। हमने कहा बाहर आओ वरना हंगामा कर देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या चाहिए बेटा बताओ हमको। नहीं मॉम कुछ नहीं चाहिए। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो इतने लेट? जाके सो जाइए। हाँ सो जाती हूँ। तुमको कुछ चाहिए होगा तो हमें बताना, और अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, समझ रहे हो ना? हाँ मॉम कर दूंगा। अब जाओ। भाभी नहीं, ये नहीं हो सकता भाभी। भाभी नहीं कुसुम, हम तुम्हें कुसुम है, तुम हमें कुसुम बोलो ना। भाभी प्लीज प्लीज भाभी रुको, ये गलत है। तुम हमसे प्यार करते हो ना? हाँ तुम ये शादी तोड़ दोगे ना? बोलो नहीं करोगे तुम शादी? भाभी भाभी देखो मेरी बात सुनो, ये सब गलत है। प्यार गलत कैसे है? तुम हमसे, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये प्यार ही तो है। मॉम शादी बुधवार की है ना? हाँ बेटा। क्या पहनोगे, सूट या धोती कुर्ता? जो आपको सही लगे मॉम। और घोड़ी पे चढ़ोगे या गाड़ी मंगवाए तुम्हारे लिए? भैया आप देख लो। गलत किए हैं आप, परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, हम नहीं चाहते हमारे वजह से हमारे भैया की जिंदगी बर्बाद हो। अंदर आओ।
अरे कुसुम कहाँ हो भाई, जल्दी आओ, देखो दूल्हा दुल्हन आ गया घर में। नजर उतारो दोनों का। अरे ऐसा काहे कर रही हो, इतना बड़ा दिन है, मुंह काहे बनाए हो, क्या हुआ है तुम्हें? आप परे नजर करिए आरती, हमारी का जरूरत है। अरे वहां काहे खड़े हो, आओ ना। हाँ आओ। आग लगी क्या? आओ चलो बाहर चलो। नीतू, नीतू, मॉम, भैया, मॉम, क्या हुआ? तेरे अंदर कमरे में इतना धुआं? बेटा देखो तो, इतना धुआं कहीं आग तो नहीं लगी? मॉम, लगता है बिजली शॉर्ट हुआ है। हम देख क्या? बेटा चलो हमारे कमरे में, आराम आराम। और मनाओ सुहागरा। तुम्हें टिकट्स बुक करवा ले? हाँ सब रेडी है। अच्छा हम सोच रहे थे एक फोटो सेशन करते हैं। तुम एक काम करो, तुम घाघरा चोली पहन के आ जाओ जल्दी, हम ना एक मस्त फोटो सेशन करेंगे। हम वेट कर रहे हैं। ये तू कहाँ रह गई? अरे आ गई तुम, आओ बैठो स्टार्ट करते। इतनी सुंदर लग रही हो तुम, अब हम रोके कैसे अपने आप? एक काम करो, थोड़ा घूंघट ऊपर करो हल्का सा। अच्छा रुको हम करते हैं। तुम आ
नहीं चल रही इसके। टायर मार गई मेरे बच्चे को। मधु उठ जाना मधु। शुभ को फोन करके बुला बुला उसे दुकान से। मधु और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मैं क्या करती, मुझे ऐसा करना पड़ा। कोनो पाप नहीं किए हम। जब रिश्ता अग्नि को साक्षी मानकर रखा हो तब उस लक्ष्मण रेखा को बाहर जाना पाप ही है। हमारा मन किसी और पे आ गया तो हम क्या करें? मन मार के जिए? हल्ला मत करो। अपनी घर की गंदगी को उछालने की जरूरत नहीं है। जिसको आप गंदगी कह रहे हैं ना, वो आपके लिए गंदगी होगा, हमारे लिए वो प्यार है। तुम्हारा प्यार स्वार्थ है। तुम सिर्फ अपना सोची हो। तुम्हारा ये पागलपन परिवार को बर्बाद कर देगा। क्या चाहते हैं आप? हाँ कि हम मर जाएं? मेरी बात सुन, कल मधुकर जा रहा है, फिर वो लौट कर नहीं आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज कल तक के लिए शांति रखो। मधुकर अब पटना नहीं, जान से जाएगा। और हमारा प्यार ऐसा है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मधु नहीं मर सकता। ये कुसुम के प्यार की जिद थी या प्यार में उसका दीवानापन, पर आखिर खो दिया उसने अपना सब कुछ अपने इस जुनून में। मर्यादा में ही हर रिश्ते का बड़प्पन बना रहता है और जिस दिन ये लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है एक अपराध का जन्म होना तय हो जाता है। कुसुम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज वो खुद तो जेल की सलाखों के पीछे है पर उसकी करनी का असर आज भी उसके परिवार में दुख का कारण बना हुआ है। ऐसे संकेत से रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.